हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूं। सर सर आज क्या करने वाले हो? सर आज मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, सुनना। सर बातें हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट से। सर सबको क्रिकेट पसंद होगा, आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको क्रिकेट पसंद नहीं होगा, ठीक है? मोस्टली लोग क्रिकेट लवर है। चलो उसी एग्जाम्पल में क्रिकेट वाली बात स्टार्ट करते हैं। सर सबको पता है सन 2010। हाँ सर, सन 2010 में क्या हुआ था? सर कुछ नहीं हुआ था, बताता हूँ आपको। सर सन 2010, मैं बताऊंगा ईयर 2010, यहां तक 40 साल क्रिकेट को हो चुके थे। 40 साल क्रिकेट को हो चुके थे, यस 40 साल ओडीआई को हो चुके थे, लगभग लगभग 40 साल ओडीआई को हो चुके थे, ठीक है? सर इस दिन एक टाइम आया, फेब्रुअरी 24। सर 14 फेब पता है, 24 फेब को क्या हुआ था बताता हूँ। सारा गेम बताता हूँ मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? और क्रिकेट लैंग्वेज बताऊंगा, फिर उसके बाद आपके सामने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है? और आपका दिमाग खोलने की कोशिश करेंगे कि क्या हल्ला हो चुका है इस फील्ड में। सर 24 फरवरी 2010। सर अगर मैं आपको बात करूं इससे पहले, सर इससे पहले मतलब 2000, 2001, 2002, 1980s, 1990s, मैं बोलूं किसी प्लेयर ने क्या 200 रन बनाए थे? क्या किसी भी प्लेयर ने इंटरनेशनल में 200 रन बनाए थे या नहीं बनाए थे? सर अगर मैं 2002-2003 की बात करूंगा, सर आप बोलो सर इम्पॉसिबल है, कोई बना ही नहीं सकता। 2000 की बात करूँ, सर इम्पॉसिबल है, बना ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल 2007 तक इम्पॉसिबल, 8 तक इम्पॉसिबल, 9 तक इम्पॉसिबल। सर 2010 में वो टाइम आया जहां पे ये इम्पॉसिबल है ना पॉसिबल बनना। सर कोई सोच नहीं सकता था कि ओडीआई में जहां 300 बॉल मिलते खेलने को, सपोज मान लो 150-150 कोई गेम भी खेला तो सबके पास 150-150 बॉल रहेंगे, जहां विकेट गिरना निश्चित है, कोई 200 रन सिंगल प्लेयर बनाना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल। सर लेकिन सर वहां पे ये चीज पॉसिबल किया सचिन तेंदुलकर जी ने। न्यू दिल्ली, इट वॉज ऑन दिस डे 12 ईयर अगो व्हेन सचिन तेंदुलकर बिकम द फर्स्ट मैन ऑन द प्लैनेट अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। तो सर ये बता क्यों रहे हो डबल सेंचुरी इन ओडीआई? सर 40 साल बीत चुके थे क्रिकेट को, मैं क्या बोल रहा हूं 40 साल बीत चुके थे, किसी ने भी 200 रन नहीं बनाए थे ओडीआई में। बट पता ही नहीं ये अजूबा कहां से हो गया जहां पे ये 200 रन बन गया, और किसने बनाया? सचिन तेंदुलकर। सर सचिन तेंदुलकर तो गॉड ऑफ क्रिकेट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपकी बात को पॉइंट कर रहा हूं, कुछ भी कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर सच में गॉड ऑफ क्रिकेट है, ठीक है, थे गॉड ऑफ क्रिकेट, अभी भी है मानता हूं। बट सर इससे क्या पता चला? बना दिया सचिन ने 200 रन, लेकिन सर जस्ट इसके एक साल बाद 2011 में आपको पता होगा वीरू पाजी ने, वीरेंद्र सहवाग ने भी 200 रन स्कोर किया। तो सर ये क्या समझ नहीं आया? सचिन पाजी तो गॉड थे, वीरेंद्र सहवाग ने कैसे कर दिया? सर इससे पहले किसी ने क्यों नहीं बना दिया था? दोस्त यही तो मैं बोल रहा हूं, जब कोई चीज इम्पॉसिबल पहली बार टूटती है ना फिर रिकॉर्ड्स बनते हैं। सचिन ने क्या किया, सचिन जी ने क्या किया, पहली बार 200 रन बना दिया। इसके बाद लोगों को लगा कि यस ये चीज करना पॉसिबल है। सबसे पहले वो दिमाग से निकला कि इम्पॉसिबल चीज कुछ नहीं होता। इससे पहले 40 साल ओडीआई में थे बट किसी ने वो चीज सोचा नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं। जिस दिन सचिन जी ने ये चीज सोच लिया, जो जिस दिन ये 200 रन बन गए, उसके बाद अलग और क्रिकेटर्स को दिमाग में थिंकिंग हुआ, नहीं यार मैं भी ये काम कर सकता हूं, ठीक है, मैं भी ये काम कर सकता हूं। फिर क्या हुआ, न्यू दिल्ली December 8, इट वॉज ऑन दिस डेट 10 ईयर्स अगो व्हेन फॉर्मर इंडियन बैटर वीरेंद्र सहवाग बिकम द जस्ट सेकेंड प्लेयर इन द हिस्ट्री। सर फर्स्ट कौन? सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया 200 रन बना के। इसके बाद एक झड़ी लगने लगी, जस्ट अगले साल ही वीरेंद्र सहवाग ने क्या किया सर 200 रन बनाए, और 219 बनाए, इससे ज्यादा बनाए। सर यहां तक तो मौका रुक जाना चाहिए था, यहां पे मौका रुक गया क्या? सर एक बार जब इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल बनता है ना, उसके बाद कहने से ना लाइन से लड़ी लगती है। सर जस्ट कुछ साल बाद एक नया बैट्समैन आया। सर कौन आया वो? सर रोहित शर्मा। क्या रोहित जी ने एक बार सेंचुरी डबल सेंचुरी बनाया? नहीं, 3 बार बनाया डबल सेंचुरी। तो सोचो जहां पे 2010 तक किसी ने सोचा नहीं था, 2010 तक किसी ने सोचा नहीं था कि एक डबल सेंचुरी भी लगा पाए, उसके बाद 2010 में सचिन तेंदुलकर जी ने सेंचुरी डबल सेंचुरी लगाया भी, 2011 में वीरेंद्र सहवाग जी ने डबल सेंचुरी लगाया, उसके बाद आई थिंक 2013-14-17, ठीक है 2013-14-17 डबल सेंचुरी लगाया, और वो भी हाईएस्ट 264 करीब बनाया। सर तो रीजन क्या है इसका? सर रीजन सब बताऊंगा, लेकिन आप कुछ बात समझ रहे हो, लोगों ने कोई चीज को इम्पॉसिबल कर दिया ना तो दिमाग में वो मिथ बन जाता है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता। बट वो इम्पॉसिबल चीज का जो हम इसको ईगो हर्ट करते हैं ना, सामने वाले को तोड़ते हैं ना, उसके बाद अदर प्लेयर्स या मान लो अदर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि नहीं ये रिकॉर्ड मैं भी हासिल कर सकता हूं।
तो सर आपके दिमाग में होना चाहिए, सपोज मान लो आप किसी भी मेंटर को सचिन तेंदुलकर बना लो, उसके बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो आप वीरेंद्र सहवाग बन के। आपके भी जूनियर्स आएंगे जो आपका रिकॉर्ड तोड़ेंगे रोहित शर्मा बन के। सर क्या पता रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटे 300, तो सर क्या मैं बोल दू 300 इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं यार, कुछ इम्पॉसिबल नहीं। खेलना चालू कर दो, 6 पे 6 लगेगा, सब बनेगा। बोलने को तो 200 इम्पॉसिबल था, लेकिन सोचो जस्ट एक रिकॉर्ड ब्रेक होने के बाद कितने बार 200 रन बनना, बट उससे पहले क्यों नहीं बन गया 40 साल में? तो सर मिथ दिमाग में ना इम्पॉसिबिलिटी बैठ जाता है ना जब, तो वो करना मुश्किल हो जाता है। तो जब सचिन ने चीज तोड़ा ना, उसके बाद सोचो कितने डबल सेंचुरी बने। यही स्टडीज में भी सेम है, जब एक बार कोई चीज टूटता है ना, रिकॉर्ड्स टूटते हैं ना, उसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। और कंपटीशन बनाओ, खुद में कंपटीशन बनाओ अच्छे से। एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ रैंकर्स स्ट्रेटजी, रैंकर्स के नंबर लाके आपके सामने कुछ आपके सामने रखूंगा। नंबर गेम भाई, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां पे नंबर गेम पे हम ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है सर। ये आपके सामने लगभग लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अटेम्प्ट्स के सीए फाइनल रैंकर नंबर है यहाँ पे। और सर एक बात मैं बता देता हूँ कि एक दो चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पहले सीए बहुत हार्ड था, अब सीए इजी हो गया है। भाई पागल हो, मैं आपके सामने एक चीज और रखूंगा। पहले मैं अभी मेरे सामने जस्ट कुछ दिन पहले, शायद एक मंथ हुआ होगा, एक बैंकर आके बैठे हुए थे जस्ट कुछ काम के लिए। उन्होंने बोला कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? बोले यस आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बोलते हैं कि अच्छा हमारे टाइम पे तो सीए के रिजल्ट्स बहुत कम होते थे। मैंने बोला सर आपका टाइम कौन सा था? वो बोले हमारा टाइम था 2011-12 इसी तक, वो बोल लेते, ठीक है। तो मेरे पास तो समय एनालिसिस था नहीं, फिर मैंने उन्हें हाँ में हाँ मिला, हाँ सर हो सकता है। बोलते हैं कि अभी तो सीए बनना इजी हो गया है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पासिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। फिर मैंने ना दोबारा मैं इनको ये वीडियो भेजूंगा अभी। सर देखो सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक चीज याद रखना, ठीक है। ये आपके सामने मैं सीए फाइनल ग्रुप वन के पासिंग परसेंटेज दिखा रहा हूँ। सर नवंबर 2012 27%, मई 2013 14%। यस लोग है ना इस रिजल्ट को लेके बैठ जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग ये 6% को लेके बैठ जाते हैं, बट लोग ये 14 नहीं देखते, 27 नहीं देखते। भाई 2014 में 14% रिजल्ट आया, 2014 नवंबर 2014 में 23% रिजल्ट आया, उसके बाद 11, 13, 18। सर अभी क्या आता, अभी भी तो यही आता है 18, 13, 15। तो क्या रिजल्ट पहले पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम था? पहले क्या 1%, 2% आता था? सर एक अटेम्प्ट की बात है। इस बार भी कभी ना कभी कोई ऐसा अटेम्प्ट आएगा जहां पे पासिंग परसेंटेज कम होगा, पेपर टफ बनेंगे। हर बार चेयरमैन चेंज होते हैं, पेपर टफ, सबके नशे से पेपर अलग बनता है। तो सर आप ये मिथ मत फैलाओ कि पहले पासिंग परसेंटेज बहुत कम था, अब पासिंग परसेंटेज बढ़ गया है। दोस्त अभी भी पासिंग परसेंटेज 14-15 पे ही है, पहले 27-28 जाता था, अभी भी तो कभी कभी किसी किसी अटेम्प्ट में जाता है। सर एक चीज और दिखा देता हूँ, ये देखो मैं तो मन गया कि ये उनको ना पीडीएफ भेजूं यहाँ पे। सर नवंबर 2012 पासिंग परसेंटेज ग्रुप वन 25.32%, ग्रुप टू 29.62%, 30% मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीए फाइनल की पासिंग परसेंटेज बता रहा हूँ। और बोथ ग्रुप 16.38%, नवंबर 12 की बात कर रहा हूँ। सर अभी भी तो यही आता है 13%, अब तो 16 भी नहीं आ रहा है, 14% आ रहा है। तो भाई सीए बनना ईजी नहीं हो गया है। हाँ ये बोल सकते हो कि अब तो हम डायनेमिक हो चुके हैं, पहले क्या होता था क्लास मिस हो गया तो भैया आपको सेल्फ करना पड़ता था, अब क्या है क्लास मिस हो गया तो आपके पास अल्टरनेटिव्स है, यूट्यूब हो गया, या मान लो आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं सब क्लासेस ले लेते हो, या मान लो आपके पास बैकअप है। हाँ पहले बैकअप कम था बट पासिंग परसेंटेज में कुछ चेंज नहीं आया। आप ये नहीं बोल सकते पहले बच्चे कम निकलते थे अभी बच्चे ज्यादा निकल रहे, भाई बच्चे उतने ही निकल रहे हैं। सर मई 2012 25.54%, 27.81%, 15.78%। हाँ एक अटेम्प्ट ऐसा आया था ये वाला नवंबर 10, जहां पे 9.09% था, यहाँ पे 4.57% था, बट इस वजह से तुम सीए को ये नहीं बोल सकते कि भाई पासिंग परसेंटेज बहुत लो था। भाई तुम देख लो ना 36%, 24%, 19%, 32%, 27%, 36%, 40%, 37%, 37%, 31%। भाई इतना तो अभी भी नहीं आता, दिखा दो मेरे को कौन ला रहा है 40% सीए फाइनल रिजल्ट। सर 16%, 15%, 20%, 13%, 20%, 25%, 28% बोथ ग्रुप्स, अब तो 13% है। तो ये तो मिथ मत फैलाओ कि भैया अभी पासिंग परसेंटेज सही हो गया। दोस्त तुम्हारे जब भी सीनियर जब भी या मान लो अंकल पापा कभी सीए बने होंगे ना, इतने ही परसेंट था पहले भी रिजल्ट, और अब तो और थोड़ा कम हो गया है। ये बोथ ग्रुप तो 26-27-28% दिखना है, भाई हमें तो टाइम हो गया है। मेरे टाइम में भी 13-14% था, उसके पहले भी 13-14 था, उसके पहले भी 13-14 था। तो पहले तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं बोलूं इंडायरेक्टली में। तो कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स आते हैं जिस बेसिस पर आप पकड़ लेते हो कि भाई यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बहुत लो है। भाई सब कुछ ठीक है, 51 हजार बच्चे बैठते हैं ना, 12 हजार बच्चे पास करते हैं, ये डिजर्विंग बच्चे होते हैं, इसमें सब है ना इसको किक नहीं मिलता, वो एग्जाम जाके बैठ जाता है। तो पासिंग परसेंटेज कभी गड़बड़ाया नहीं है, एक दो अटेम्प्ट ऐसे आते ही है जहाँ पे थोड़ा पासिंग परसेंटेज गिरेगा, जैसे ये 14%, 9% और 4.57%।
ठीक है। तो ऐसा कभी मत बोलना कि पासिंग परसेंटेज पहले बहुत कम था, 2% 1%, भाई एक अटेम्प्ट कर लेके बैठ के उसके अलावा अगला अटेम्प्ट भी तो देखो, 40-40% तुम्हें पासिंग परसेंटेज आए हुए, 39-39-37% तुम्हें पासिंग परसेंटेज है, क्या चाहिए था। चलो तो ये तो उनको बोलना भाई, इनको ये सब ग्राफ दिखा देना, कोई पहले बोलेंगे ना भाई पहले सीए बहुत हार्ड था, तो अभी तुम्हारे सीए का ना हार्डवर्क को लक का नाम दे देंगे, भाई तुम्हारा तो लक से निकल गया सीए, तो अभी भी पासिंग परसेंटेज हो रही है, बट बात डिफरेंस इतना है कि अभी रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है, रिसोर्सेज ऑनलाइन मोड में ज्यादा है, कभी कोई छूट गया तो हम बैकअप ले सकते हैं उस चीज का, बट पासिंग परसेंटेज सेम है, मेहनत उतना ही करना था, क्या उससे ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। ठीक है, पहले बस इतना फर्क था कि अभी पास होने बाद हम इधर उधर सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर देते हैं, हाँ भाई हम सीए बन गए, ये बन गए, तो आपको लगता होगा यस बहुत सारे लोग सीए बन रहे हैं, पहले ये नहीं होता था, पहले ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था भाई, 14 रुपये में तो 65 MB मिलता था, उसमें भी हम पोस्ट अपलोड कर देंगे थैंक यू बोलते बोलते तो हमारा 7 MB खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है कि अब थोड़ा सीए बनने बाद थोड़ा है ना लोग खुल गए हैं, लोग लिंक्डइन इधर उधर देखते ज्यादा सीए सीए, तो बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज पहले भी पासिंग परसेंटेज हमारा उतना ही था। तो पहली बात ये मिथ निकाल देना, ये जो सामने से बोलता है ना कि पहले भाई पहले सीए बहुत हार्ड था, सीए ये था सीए वो था, भाई अभी भी वही लेवल है सीए का, और अभी और तगड़ा लेवल है, और तगड़ा लेवल होने वाला है। ठीक है, डिमांड सप्लाई की बेस पर रिजल्ट फिक्स होता है, बट लेवल अभी भी वही हार्ड है, वही भी शाइन है, लोग इसको है ना क्या होता है स्पॉइल कर रहे हैं डिग्री को, कैसे बोल के कि अब पास नहीं होते लोग ये वो, तो भाई देखो पासिंग परसेंटेज सेम है, मेहनत अपना करो तुम। ठीक है, चलो ये सब कंसर्न मैंने दिखा दिया। सर नेक्स्ट सुनो, मैं सचिन तेंदुलकर सहवाग वाले बात पे था, सर रिकॉर्ड्स बनते टूटने के लिए पहले इम्पॉसिबल को पॉसिबल करो। पहले क्या होता ना 600 मार्क्स सीए फाइनल सोचना बहुत बड़ी बात थी कि 600 मार्क्स आना मुश्किल है, सर ये रिकॉर्ड मैं बोला एक बार जब टूटता है ना तब ये टूटते रहता है, तो नेक्स्ट आप हो सकते हो, सामने वाले का भी मोटिवेशन आप फील कर सकते हो, यस मैं सामने वाले के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन हूँ। ठीक है, सिद्धांत भंडारी नवंबर 18 ये वन ऑफ माय रोल मॉडल थे। ठीक है, सर ही गॉट 550 मार्क्स आउट ऑफ 800, 69.38%, ये 555 आईसीआई में पहले भी मार्क्स आते थे। ठीक है, क्या सर इनका कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छा मार्क्स था कि सब्जेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं था, 68, 92, 65, 60, 71, 62, 64, 73, ऐसा कुछ नहीं था कि ये किसी सब्जेक्ट में टॉपर थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बैलेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ बैलेंस, अभी बताऊंगा सब सब्जेक्ट वाइज टॉपर वाइज कौन था। तो कभी भी रैंकर जो होते हैं ना 1, 2, 3, इनका कोई ऐसा नहीं होता कि पूरे हर सब्जेक्ट में इनका टॉप मार्क्स होता है, नहीं एक बैलेंस लेके चलते हैं। देखो इनमें कोई पेपर में टॉप नहीं थे, एफआर के पेपर में देखो ऑल ओवर, तो आपको नयन गोयल टॉप है अकाउंट्स के पेपर में, और सोर्सेज का मैं देखो ये सारे फिगर सोर्सेज से लिया हूं, मेरे को एक सोर्स और पता चला जहां पे कोई शर्वन नाम के थे उनको 99 मार्क्स अकाउंट्स में आया था। तो सर देखो टॉपर्स कभी भी ये नहीं होता कि हम हर पेपर में उनको 100 मार्क्स है, 98, 90 मार्क्स है, ये सीबीएसई एग्जाम नहीं चल रहा है, यहाँ आपको बैलेंस लेके चलना है। ठीक है, सेम नयन गोयल 95 मार्क्स, 90 मार्क्स, 60 मार्क्स, 75 मार्क्स, 71, 66, 72, 78, टोटल 607, सही ये 600 टच होना चालू हो चुका, पहले भी आए होंगे लेकिन अब यहां से ना एक देखो 600 नीचे बात ही नहीं होगा सर, 600 नीचे रैंकर वन का बात ही नहीं होगा, 607 चालू हो गया। यहाँ पे नयन गोयल जी अकाउंट्स टॉपर थे, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट में अलग अलग सबके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, तो सर 95 मार्क्स टॉपर थे बट हर पेपर में अलग मार्क्स हैं। एसएफएम में देखोगे तो आदित्य मित्तल के 100 मार्क्स थे, ऑडिट में देखोगे तो प्रीत गोयल के 81 मार्क्स थे जबकि नयन गोयल 60 थे। तो यही बोल रहा हूँ सर प्रीत गोयल रैंक वन क्यों नहीं आ गया, क्योंकि देखो एक सब्जेक्ट पे उसने फोकस किया, या मान लो कोई और सब्जेक्ट फोकस किया, सारे पे बैलेंस नहीं किया, जिसने सब पे बैलेंस किया वो रैंक वन आया। सर नेम नेक्स्ट सुयांश अग्रवाल, देखो प्रैक्टिकल्स पेपर में 70-80 और थ्योरी पेपर्स देखो 77-83, तो सबका प्रो सबका कॉन्स, तो इसमें बोलता हूँ देखो बैलेंस है, 70-80, 77-83, 69-71, 72-81, ऐसा नहीं है कि सब 90s में चल रहा है, कोई 90s में नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी रैंक वन क्यों, हर सब्जेक्ट का देखो स्पेसिफिक 70 मार्क्स, एफआर में 70 मार्क्स नयन गोयल को आए थे, एसएफएम में 100 मार्क्स आदित्य मित्तल को, ऑडिट में प्रीत गोयल को 81, ठीक है लॉ में रजवी नथावानी को 86, बट टॉप रैंक वन कौन हुआ, ये हुआ सुयांश अग्रवाल। तो सर बैलेंस बना के रखो आप सारे पेपर्स में, ऐसा नहीं चाहिए सब में 90-90 आपको नहीं आ सकता, 95-98-99 ऐसा नहीं हो सकता, हर सब्जेक्ट में आप टॉप नहीं कर सकते, बट आप एक ओवरऑल बैलेंस स्ट्रेटेजी लेके चलोगे ना तो आप टॉप करोगे। सिंपल इनको 603 आया, तो देखो ये 600 के सीरीज आना स्टार्ट हुए, लोग कंपटीशन करने लगे, ये 600 मार्क्स आ सकते हैं सीए में, ये मिथ है कि सीए में 600 मार्क्स नहीं आ सकते। नेक्स्ट अगले टाइम में अभय बजोरिया जी ने 88, 77, 75, 61, देखो कोई ऐसा नहीं है 90s वाला मार्क्स चल रहे हैं कि 95, 98, 97, नहीं बैलेंस्ड है, 85, 88, 87, 77, 75, 61, 76, 72, 73, 81, 603। नेक्स्ट में कोमल किशोर जैन 86, 86, 76, 75, 45, 68, 81, 83, सर देखो कोई भी कोई टॉपर नहीं है, सब मार्क्स का टॉपर अलग अलग है, आदित्य मित्तल इसमें नहीं है, प्रीत गोयल इसमें नहीं है, रजवी नथानवी इसमें नहीं है, वैभव हरिहरन इसमें नहीं है, कहीं पे रैंकड़ अलग है जबकि टॉपर मार्क्स अलग है। तो आप या तो दो चीजों लो, एकदम बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लोगे तो आप रैंकर्स में आ जाओगे, या तो किसी एक सब्जेक्ट से इतना प्यार कर लो कि इसमें हाईएस्ट आ जाए फिर आप यहाँ पे रहोगे,
हो सकता है रैंक में आ जाओ 50-45, अगर 1-2-3 में आना तो आपको पूरा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, इनको कितना आया 600 मार्क्स, अभी भी 600 सीरीज चल रहा है हमारा, तो सही टफनेस को तोड़ा गया, इम्पॉसिबिलिटी तोड़ा गया, यहाँ पे 600 मार्क्स नहीं आ सकते थे, लोग को सोचता कि सी में कहाँ से 600 मार्क्स आएंगे। फिर ब्रह्मर जैन 78, 81, 74, 75, 84 कॉस्टिंग में 65, 76, 78 टोटल 611। सर देखो रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 603, 600, अब 611 आना स्टार्ट हो गए रैंक वन। फिर नंदिनी अग्रवाल सर एज 19, सोचो 19 एज रैंक वन, 82, 93, 64, 75, 93 in SFM, जबकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट का हाईएस्ट किसका था, आदित्य मित्तल 100 मार्क्स, तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक किसी एक पेपर में 100 मार्क्स है, 99 मार्क्स है, नहीं, सब में बैलेंस है, देखो सब में एक बेस्ट एग्जेम्पशन है, 82, 83, 64, 75, 62, 81, 88, 69, टोटल 614 मार्क्स, 614। इसके बाद भी लोगों को लगा यार 614 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता, बस दिसंबर 84, 89, 76, 66, 76, 85, 74, 90, 325 टोटल मिला के 640 मार्क्स। सोचो जमीन आसमान का फर्क हो गया रैंक वन में, 614 से 640 टोटल कम से कम 26 मार्क्स का फर्क आ गया, बोला जाए तो परसेंटेज वाइज भी 4-5% ऊपर आ गए। तो सर यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, 80% पहुंच गया ना रिजल्ट आपका, तो यही तो ब्रेक करना है आपको, अगला आप बन सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा बैलेंस बना के चलो पेपर में, किसी एक पेपर में आपको तोप नहीं मारना है, एक पेपर में आपको किक नहीं लेना है, सब पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना है रैंक लाने के लिए अच्छे से। ये कहीं ना कहीं मेरे को स्ट्रैटेजी समझाने का कोई नहीं था, कहीं ना कहीं मैं यहाँ मिस किया, मैं कुछ पेपर पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, और थोड़ा हेल्थ इशू भी था, बट देखो 69%, 75%, 75, 75, 76, 76, 80, क्या पता है नेक्स्ट 82, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, क्या पता कभी सी एफ फाइनल में 90% हो, ठीक है, नेक्स्ट आप बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई फिक्स है भाई। 19 इयर्स की नंदिनी अग्रवाल जी ने रैंक स्कोर किया, रैंक ऑल इंडिया रैंक वन। इसमें एक चीज बताऊंगा सर, देखो रैंकर्स के कुछ बात थे जो आपको सुननी चाहिए, जो मैं भी बोलता हूँ कि भाई थोड़ा बात को ना गौर करो, मैंने तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकाली हर रैंकर्स के इंटरव्यू में, तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। सर देखो सबसे पहला क्या है, प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रॉपर रिविजन। सिद्धांत भंडारी जी ने भी यही बोला, क्या बोला सर इनके इनके इंटरव्यूज में, मैं दिखाऊँ आपको एक सेकेंड, इनके इंटरव्यू सिद्धांत भंडारी जी ने बोला प्रॉपर टाइम टेबल, लास्ट मंथ रिवाइज होल सिलेबस इफेक्टली, तो रिविजन टाइम टेबल इंपॉर्टेंट, ग्रीन वाले मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर नयन गोयल ने क्या बोला, प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रॉपर टाइम टेबल, सोच लो प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर स्टडी प्लान, वही मैं बोलता हूँ कि या तो आप नाइट आउट बन जाओ या तो आप अर्ली बर्ड बन जाओ, लेकिन फिक्स करो कौन सा क्या है। सेम क्या बोला राधिका जी ने कि प्रॉपर रिविजन, तो सर सबसे पहला करना चाहिए प्रॉपर टाइम टेबल एंड प्रॉपर रिविजन दोनों साथ में, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर टाइम टेबल, अगर मैं आपको क्रक्स में बोलूँ तो प्रॉपर टाइम टेबल, ठीक है, प्लस प्रॉपर रिवीजन, ये आपका पहला क्यों होना चाहिए। देखो रैंकर स्ट्रेटजी में निकाला ये, ठीक है। सेकंड क्या सर, सबने देखो क्या बोला सर, नंदिनी अग्रवाल जी ने बोला कंसिस्टेंसी, ब्रह्मर जैन ने कंसिस्टेंसी, और सिद्धांत भंडारी ने कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा, अगर आप 6 महीने की छुट्टी पे हो ना तो 6 महीने पढ़ो, कोई बात नहीं एक दिन ले लो गैप, बट उस दिन थोड़ा सा पढ़ लो, क्या होता है ग्रिप नहीं निकलना चाहिए। तो सर प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर स्टडी प्लान, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। सर देखो सैक्रिफाइसेस मैंडेटरी है यहाँ पे, भाई इसकी शादी में जाना है, जाओगे भाई तो फिर बाद में रोना मत, उसके दोस्त की बर्थडे है, दोस्त की यार की शादी है, दोस्त का ये है, दोस्त का वो है, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड पैचअप, पार्टी वार्टी, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे, आपको प्रॉपर रिविजन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। थर्ड क्या है, आपको खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे। जब ये लोग नेक्स्ट हो सकते हैं, सबने एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ा, सब आगे बढ़ते रहे, 640 तक पहुंचा, तो मैं यहाँ नेक्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना ऊपर से भाई गॉड गिफ्टेड है, तू जाकर रैंक नवंबर 22 का तू रैंकर बनने जा रहा है, कुछ नहीं है, आपके मेहनत पर डिपेंड कर रहा है। और ये नहीं कि आपने इंटर में फेल हो या इंटर में आपका रैंक नहीं तो फाइनल में रैंक नहीं आएगा, यह भी मिथ है, ये सिद्धांत भंडारी ने क्लियर कर दिया, और एक दो स्टूडेंट है इसमें, तो आपके जरूरी नहीं है इंटर में रैंक है तभी फाइनल रैंक होगी, या मान लो जरूरी नहीं है आपको फाउंडेशन या सीपीटी में रैंक नहीं थी तो आपको इंटर में रैंक नहीं आ सकता, ठीक है। तो थोड़ा एनालिसिस करो, एनालिसिस मैंने आपके कर दिया, मेन क्रक्स क्या निकला आपका, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर टाइम टेबल, अर्ली बर्ड या मॉर्निंग जो भी बनना बन जाओ, नाइट आउट अर्ली बर्ड, एक टाइम टेबल रूटीन बनाओ, कितने सेटिंग्स करना है, रिवीजन मैंडेटरी पहला की, दूसरा क्या है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा पढ़ के, स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ो। थर्ड मैंने क्या बोला आपको, खुद पे सेल्फ भी रखो। देखो राधिका जी ने बोला कि कीप स्टडिंग विथ फन एंड कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और एंजॉय इस प्रोसेस को एंजॉय करो। और कोमल किशोर जी ने क्या बोला, ट्राइंग मोटिवेटेड एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, खुद में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि मैं नेक्स्ट क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं सीए फाइनल एक बार में क्लियर कर सकता। अभय बेचुड़िया बिलीविंग इन योर सेल्फ, तो देखो सर ये सारे की पॉइंट्स मैंने तीन निकाल दिया आपको, रिविजन प्रॉपर करो, प्रॉपर टाइम टेबल, कंसिस्टेंसी और खुद पे बिलीव करो,
जरूरी नहीं है आपको एक ही सब्जेक्ट में टॉपर बनना है, ठीक है? ऐसा नहीं है, मिथ बना के रख दिया है मेरा बच्चा एसएफएम में टॉप करेगा, मेरा बच्चा लॉ में टॉप करेगा। भाई उनको बोलने दो, टीचर्स का काम है। मैं भी बोलता हूँ भाई मेरा बच्चा लॉ में टॉप करेगा, बट आपका काम क्या है, आपको सब पेपर में एक बैलेंस बना के रखना है। और मैंने क्या बोला, सचिन तेंदुलकर बाद वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग बाद रोहित शर्मा, तो भाई वाई आप नेक्स्ट क्यों नहीं बन सकते? क्या पता राधिका जी बाद आप बन जाओ कोई, हो सकता है कोई हेमंत बैठा हो यहाँ पे, या कोई आकाश बैठा हो यहाँ पे, सीए फाइनल प्रिपरेशन कर रहा हो, या कोई अलग कोई साहिल बैठा हो जो निकाल सकता है नवंबर 22 में रैंक, और रैंक आ सकती है, ठीक है? चलो एग्जाम्स 100 मार्क्स सबके लिए होते हैं, सब्जेक्ट 8 है, डे 16 सब पेपर के लिए, 16 दिन आपके पास सब पेपर का है। आप आराम से 8, 5, 3 का भी रिविजन करोगे, पहला रिविजन 8 डेज, दूसरा रिविजन 5 डेज, थर्ड रिविजन 3 डेज, तो 3 रिविजन पर पेपर में आप दे सकते हो। 8, 5, 3 याद रखना, 8, 5, 3 करना है आपको, ठीक है? कुछ भी नेगेटिविटी चल रहा हो भैया, खुद को मोटिवेट रखो, खुद को पूछो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। चाहे आप रैंक के लिए करो, चाहे आप एक अटेम्प्ट में सीए करो, या आप सीए करने के लिए करो, खुद पे बिलीव रखो मैं ये कर सकता हूँ, ये नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगा, जो होगा इसी अटेम्प्ट में करूंगा। लोग बोलते नहीं भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लेंगे, आग लगा देंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो भाई वो आग तुम्हारे पेपर में लगता है, तुम आग नहीं लगा सकते वहाँ पे, जो टालता है, ठीक है? तो जो होगा अगले अटेम्प्ट में होगा, आपको करना पड़ेगा। तो मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस देकर आपको समझाया है, होप्स आपको क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है? मैं अभी वही बोलता हूँ कि थोड़ा एनालिसिस करो, देखो सबने वही हुआ है, सबका ऐसा ही है, सबका 69% था, तो कोई सोचा नहीं था कि कभी 75% आएगा, बट कोई सोचा नहीं कभी 80% आएगा, और अभी भी कोई सोच नहीं रहा कि सीए फाइनल 90% आ सकता है, ठीक है? लेकिन आएगा, तुम देखना ये टाइम आएगा, 90% आने का चांसेस है। रिजल्ट्स भी वही है जो पहले होते थे, मैंने दिखा भी दिया, तो कोई आपको पहले बोले आपको डीमोटिवेट कर, भाई तू सीए बन गया लक से, ये है वो है, पहले रिजल्ट ऐसे आता था, अब रिजल्ट ऐसे आता है, भाई रिजल्ट अभी भी वही आता है जो पहले आता था, और पहले थोड़ा कम ही आता है, तो मैंने उस कम में रिजल्ट निकाला है, ठीक है? तो सब जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, आप बस एनालिसिस है, कोशिश करो, कंपटीशन बनाओ, कंपटीशन इज गुड, ठीक है? मैं बोलता हूँ कंपटीशन बनाओ, खुद में अच्छी बात है, हाँ, बट पढ़ाई के लिए कंपटीशन बनाओ, ऐसे नहीं जेलस नहीं होना किसी से, बट कंपटीशन बनना चाहिए। भाई सामने वाला अगर टेस्ट में स्कोर करा, मैं उससे अच्छा स्कोर करूंगा, सामने वाला इसमें अच्छा कर रहा है तो मैं इससे ज्यादा अच्छा करूंगा, दोनों का इंप्रूवमेंट होगा, आपके पास कोई स्टडी पार्टनर है तो, ठीक है? स्टडी पार्टनर तो उसका भी इंप्रूवमेंट होगा और आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। चलो ऑल द बेस्ट, नॉर्मल बाइस इज योर्स। भाई आप अधिका जी नंदी जी के बाद आप देखो, ये भी थर्ड चीज और बताता हूँ, क्या सीए सिर्फ लड़कों का कोर्स है? दोस्त रिजल्ट देख सकते हो, स्टार्टिंग चलो सिद्धांत भंडारी, नयन गोयल, सुहांश अग्रवाल, अभय बजोरिया, सर उसके बाद लास्ट के तुम चार टॉपर देखो, इसमें 3 लड़कियां हैं, और उसके बाद अभी के लास्ट में तो सब लड़कियां टॉप कर रही है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, सीए सिर्फ लड़कों का कोर्स है भाई, ठीक है? हमारी छोड़ी छोड़ो से कम है के, यही वाला डायलॉग है यहाँ पे, ठीक है? तो कोमल किशोर जैन जी ने फर्स्ट रैंक लाया, नंदी अग्रवाल जी फर्स्ट रैंक, राधिका फर्स्ट रैंक, तो भाई कोई भी फर्स्ट रैंक ला सकता है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिक सिर्फ लड़कों का कोर्स है ये, ठीक है? ऐसा नहीं सिर्फ सीएस लड़के करती है, लड़के नहीं करते, ये भाई सब करते हैं यहाँ पे, अच्छा पढ़ोगे स्कोर सबका होगा अच्छा, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट।